Dazzling Mentee. नमस्कार बच्चों, आज हम अगला व्यंजन छ करेंगे और छ को लिखने के लिए हमें बहुत अच्छे से एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा गोला है ना, गोला ये हमारा ऊपर तक जाएगा और ऊपर एक रेखा डलेगी। अब मैं आपको इसे लिखना दिखाती हूँ कैसे लिखना है। जैसे हमने घ से घड़ी लिखा था ना, घ, उसी प्रकार से गोला घुमाएंगे, फिर एक और गोला घुमाएंगे और गोले को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और फिर एक रेखा डाल देंगे। अब इसी चीज़ को मैं बोर्ड में लिख के बताती हूँ। ऊपर शिरोरेखा डालेंगे, ठीक है, और अब हम घ की तरह गोला घुमाएंगे, गोला घुमा के सीधा ऊपर एक गोला और ऊपर एक छोटी सी रेखा डालेंगे। अगर हमने ये रेखा नहीं डाली तो छ गलत हो जाएगा, तो और ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि छ को किस प्रकार हमें लिखना है, ठीक है। आप इसको आखिरी रेखा तक भी जोड़कर लिख सकते हैं। मैं एक बारी और लिख के दिखा रही हूँ जिससे आपको छ को ठीक प्रकार से लिखना आ जाए। गोला डालेंगे, बेशक नीचे की लाइन तक, आखिरी लाइन तक ले जाओ, फिर एक गोला डाल के एक छोटी रेखा डालो, तो इस प्रकार से आपके समक्ष छ है। ये छ भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने उदाहरण भी दिया हुआ है, इसमें मैंने आखिरी पंक्ति को टच किया है, छेड़ा है, और इसमें मैंने आखिरी पंक्ति को नहीं छेड़ा। आप मेरी पेंसिल देख सकते हो कि ये आखिरी पंक्ति तक जा रही है, तो दोनों ही सही है। तो इसको किस प्रकार उच्चारित करेंगे, छ छ छ से छाता। तो आप अब इसे अच्छी प्रकार से बोलना और लिखना सीखें। ओके, बाय बाय।